महा कार्टून टीवी। एक घने जंगल विच खुंखार शेर रहिंदा सी। ओ रोज अपनी भुख मिटाण लई बहुत सारे जानवरां दा कतल करदा सी। जंगल दा हर जानवर उस शेर तो थर थर कंबण लगदा सी। जंगल विच जानवरां दा आराम नाल घूमना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्हां नूं हमेशा आही डर रहिंदा सी कि पता नहीं शेर कदों आके उन्हां नूं खा जावे। जंगल विच सभी जानवरां नूं हुण आही चिंता रहिंदी सी कि जे शेर एवें ही अपने मन मुताबिक चलदा रहा तां जंगल विच एक भी जानवर नहीं बचेगा। अते इस समस्या नूं सुलझाण वास्ते जंगल दे सभी जानवरां ने बैठक रखी। भाइयों ते भैनों, जे ए दुष्ट शेर इसी तरह सारे जानवरां नूं खांदा रहा तां ओ दिन दूर नहीं जद साडे विचों एक भी जानवर नहीं बचेगा। ए दुष्ट शेर ने मेरी वोटी नूं भी खा लिया। चुप करो मेरे दोस्त, हुण कुछ ना कुछ तां करना ही पऊगा, इसनूं सबक सिखाना ही पऊगा। मेरे मित्रों, मैं कल उस शेर दे कोल जावांगी अते इस विषय ते गल करांगी, की पता कोई हल निकल जावे। अगले दिन लोमड़ी शेर दे कोल जांदी है अते कहंदी है, महाराज तुसी इस जंगल दे राजा हो अते असी तुहाडी प्रजा हां, जे तुसी सानू मार देवोगे ते तुसी किस दे उत्ते राज करोगे। शेर सोच विच पै जांदा है। साडे कोल एक तरकीब है, कल से साडे विचों एक जानवर तुहाडे कोल तुहाडा भोजन बनन लई आवेगा, जे तुहानू इस गल तो कोई एतराज ना होवे तां। ठीक है, पर एक गल दा सब ख्याल रखियो, किसे भी दिन जे कोई मेरा भोजन बनन नहीं आया ता फिर तो मैं तुहानू सारेयां नू खाना शुरू कर देवांगा ते किसी नू भी नहीं छड्डांगा। तुसी चिंता ना करो महाराज, तुहानू कदे भी इस गल दी शिकायत नहीं मिलेगी। अते ए कह के लोमड़ी ओथों चली जांदी है। उस दिन तो बाद तां रोज कोई ना कोई जानवर उदा शिकार बनन लई पहुंच जांदा। हुण शेर नूं भी आराम मिल गया सी, क्योंकि हुण उस नूं शिकार करन लई जानवरां नूं लभण नहीं जाना पैंदा सी। एक दिन शेर दा भोजन बनन दी वारी एक निक्के जे खरगोश दी आई। ओ खरगोश शेर दा भोजन नहीं बनना चाहुंदा सी। उस नूं अपने आप नूं बचाउण दी एक तरकीब सुझी। खरगोश बहुत देर बाद आराम नाल चलदे होए शेर दे कोल गया। शेर उसदा बहुत समा तो इंतजार कर रहा सी। जिवें ही ओ शेर दे कोल पहुंचा ओ बोलिया, महाराज तुसी इन्ने गुस्से विच क्यों हो, कृपया करके मेरे तो नाराज ना हो। असल विच लोमड़ी जी ने तुआडे कोल 6 खरगोश भेजे सी, पर रस्ते विच एक दुष्ट शेर ने उन्ना सारे नु फड़ के मार दिता। मैं बहुत मुश्किल तो अपनी जान बचा के इत्थे आया हां। खरगोश दी गल सुन के शेर नु बहुत गुस्सा आंदा है अते उन्ने खरगोश नु गुस्से विच दहाड़दे होए कहा, मैनू दसो कि मेरे भोजन ते किसने हथ पाया है, किस दी एनी हिम्मत है जो मेरे शिकार ते अपना हक जमावे। महाराज मैं उसनु बहुत समझाया कि साडे महाराज दा शिकार ना लेओ, नहीं ता मेरे महाराज नु जे गुस्सा आया ता ओ तैनु नहीं छड़ांगे, पर ओ शेर नहीं मन्या महाराज। खरगोश दी गल सुन के शेर नु बहुत गुस्सा आंदा है। उसने खरगोश नु गुस्से विच कहा, मैनू हुणे उस शेर दे कोल लेके चल, अज ता मैं एनु मार ही देवांगा। इस जंगल विच सिर्फ एक ही राजा है अते ओ सिर्फ मैं हां। चलिए महाराज। उसे वक्त खरगोश शेर नु एक खूह दे कोल ले जांदा है अते कहंदा है, महाराज ओ शेर खूह दे अंदर लुकिया होया है। शेर ने खूह विच झाकिया ते उसने अपनी ही परछाई नु दूजा शेर समझ के कहा, ते तू ए ओ दूजा शेर
जिसने मेरे भोजन नू मेरे तो खोया है। अज मैं तेनू नहीं छड़ांगा, अज मैं तेनू नहीं छड़ांगा। खूह विच्चों शेर दी आवाज गुंजण लगदी है अते ऐस दे कारण शेर दा गुस्सा होर भी वध गया। उन्हें बिना सोचे समझे खूह विच छाल मार दिती अते कुछ ही देर विच वो तड़प तड़प के मर गया। जद खरगोश ने सबनू शेर दे मरण दी खबर दिती तो सारिया ने खरगोश दी बुद्धि दी तारीफ कीती अते सारे जानवर खुशी खुशी रहन लगे। जे थोनू ए वीडियो पसंद आया होवे ता लाइक शेयर कमेंट जरूर करेओ ते सब तो पहला साडे वीडियोस देखन लई चैनल सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।